तो जी फाइनली आज हम दर्शन करने वाले हैं प्रेमानंद बाबा की। आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, महाराज जी का दर्शन सबको करने हैं, आप बच्चे लेके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जगह कोई नहीं रहेगा, आप थोड़ा साइड होकर यहाँ पे बैठ जाइए। हम परिक्रमा लगाते लगाते आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम पे, जो अनिराध आचार्य जी है ना, उनके आश्रम है ये वाला। चाय पीने के लिए सबसे बड़ा एरिया है और यहाँ बन रहा है कुल्हड़ चाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी हम निकल रहे हैं परिक्रमा पे और अभी टाइम क्या हो रहा है दिखाता हूँ। ये देखो रात के 12 बजने वाला है और हम अभी इसलिए परिक्रमा पे निकल रहे क्योंकि हमें दर्शन करना है प्रेमानंद जी की, और प्रेमानंद जी के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें परिक्रमा लगाते हुए प्रेमानंद जी के पास जब जाएंगे ना, कम से कम 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से प्रेमानंद जी के पास, तो वहाँ चलते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करते हैं, उनके दर्शन करते हुए परिक्रमा लगा के आ जाएंगे। और अभी आपने देखा ना कितना टाइम रहा है, 12 बजने में 5-7 मिनट बाकी है, और इसका हालत देखो ठंड में बुखार भी हो गया हमको तो भाई निकलते फटाफट और जाके देखते परिक्रमा के हालात कैसा है अभी, है कि नहीं, लाइट फाइट होगा कि नहीं पता नहीं, बट अभी 12 बजने वाला है, पहुँचते वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाके वेट भी कर लेंगे क्योंकि 1 बजे से है ना वहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखा ही है प्रेमानंद जी की, तो चलते हैं बाबा प्रेमानंद जी के दर्शन करते हैं। तो जी हम परिक्रमा रास्ते पे आ चुके हैं और यहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से प्रणाम करके परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, और परिक्रमा यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर जो है प्रेमानंद जी के दर्शन करने को मिलेगा, तो वहाँ पे चलना पड़ेगा, और पूरा परिक्रमा करने के बाद यहाँ पे ही इस पॉइंट पे आके ही परिक्रमा ख़त्म होता है, तो उसको परिक्रमा वृंदावन फुल परिक्रमा कहते हैं। और गाइस कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं परिक्रमा, और देखो अभी से लोग हैं ना जा रहे, ये जितने भी बंदे दिख रहे हैं ना सब प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे और परिक्रमा लगाते हुए आ जाएंगे। कुछ लोग तो यहाँ पे जूते पहन के कर रहे हैं, बट हम जो है ना बिना जूते की परिक्रमा करने वाले हैं। तो जी वृंदावन में ठंड तो लग रही है यार, देख रहे हो हालात, केजरीवाल जैसा बांध लिया मेरे केजू जी वाला हालत हो गई है। ये वाला मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, दिन के टाइम पे तो और सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो भाई हम परिक्रमा लगाते लगाते आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम पे, जो अनिराध आचार्य जी है ना उनके आश्रम है ये वाला। देखो परिक्रमा के रोड के ऊपर ही है, अरे ये है इनका आश्रम, और आप देख सकते हो अंदर भी है ना अलाउ करने देते हैं सोने के लिए। तो जी आप लोग ये मत सोचना कि रात के 1-1.5 बजे दुकान बंद मिलेगा, ये परिक्रमा पे है ना पूरा हर जगह है ना ऑलमोस्ट दुकान खुला हुआ है, छोटे छोटे जो दुकान है चाय का, मैगी का, चिप्स का, ये देखो ऐसे ना छोटे छोटे दुकान हर जगह खुला मिलेगा इधर देखो। तो आप यहाँ से चाय पी सकते हो क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, बाबा ये तो खड्डा है, ठंड का टाइम है ना, पॉसिबल है बस। जी बहुत दिन से ना मैं सोच रहा था कि प्रेमानंद जी के दर्शन हो जाए, और फाइनली आज हम दर्शन करेंगे बाबा प्रेमानंद जी के। तो ये देखो सारे है ना ऑलमोस्ट खुला हुआ है क्योंकि अभी प्रेमानंद जी के वहाँ पर इतना भीड़ लग जाता है। तो जी फाइनली आज हम दर्शन करने वाले हैं प्रेमानंद बाबा के, और प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए अगर आप आते हो तो इस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, और हम है ना साथ साथ में परिक्रमा भी लगा रहे हैं। इधर देखो इधर जाती है प्रेम मंदिर के लिए, और इधर जो है इस्कॉन मंदिर आ जाती है, तो हमें इस रोड को क्रॉस करके आगे खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से दर्शन कर पाए बाबा प्रेमानंद जी की। प्रेमानंद जी बाबा जो है वो यहाँ से निकालने वाले हैं, और यहाँ देखो अभी से कितना भीड़ हो रहा है, सब मिलके गाना वाना गा रहे, कीर्तन कर रहे। चलना आगे, चलना आगे कहाँ जाएगा, आएंगे तो बाबा जी यहाँ से ही, प्रेमानंद जी बाबा जी है ना, आगे खड़ा होना है। चलो देखो यहाँ से फूल भी खरीद सकते हो भाई, लिटरली देखो कैसे टेम्पू भर भर के लोग आ रहे हैं अभी, अरे तो यहाँ पे तुम कैसे बैठे। और इधर से प्रेमानंद जी बाबा जो है वो इधर से आएंगे और यहाँ से इधर जाएंगे, तो आगे की तरफ है ना सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो आगे की तरफ होने वाला है। और अभी ये है ना मुख्य द्वार है, यहाँ से भी दर्शन करेंगे और इधर से भी दर्शन करेंगे, और लोग देखो आगे की तरफ देखो कितना भीड़ हो रहा है। तो जी एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत लोगों को है ना
लोकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है कि बाबा प्रेमानंद जी जो है वो कहाँ पर से गुजरते हैं, तो इस जगह का लोकेशन जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उसमें से डायरेक्ट आ सकते हो। लिंक पे क्लिक करके लोकेशन पिन कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, तो उस तरफ आ जाना। बहुत क्राउड होने वाला है भाई, बहुत क्राउड होने वाला है यहाँ पर। देखो ये वाला रंगोली बनके तैयार हो चुका है अभी, और अभी टाइम क्या हो रहा है ये देखो, 2 बजने वाला है। प्रेमानंद जी बाबा जो है वो डायरेक्ट मतलब सॉलिड 2 बजे निकालते हैं, अभी तक लगभग 10 मिनट है, तो यहाँ तक चलते आते आते ना 10 मिनट और लग जाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है रंगोली, यहाँ बना हुआ है और आगे भी बना हुआ है। प्रेमानंद बाबा जी के आने का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए ये रस्सी लगा रहे हैं अभी, ताकि कोई इस रस्सी के आगे ना जा पाए। ये देखो यहाँ भी अभी डालेंगे रस्सी, ये देखो रस्सी डाल दिया, इसके आगे नहीं जा सकते। यहाँ से ना इतना खूबसूरत दर्शन होने वाला है ना बाबा जी की, पूरा आगे तक दिखता है, इसलिए हम इस पॉइंट पर आके खड़े हो गए। आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, महाराज जी का दर्शन सबको करने हैं, आप बच्चे लेके हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जगह कोई नहीं रहेगा, आप थोड़ा साइड होकर यहाँ पे बैठ जाइए, हो गया बस, सॉल्व हो गया सारा प्रॉब्लम, बाकी सबको दर्शन हो, बात तो समझ नहीं आ रही। राधे 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 राधे। देखो कैसे भाग दौड़ हो रहा है, बोलिए आप तो लाइट जला ले भाई, भीड़ देखो, आजा साथ में आजा, वो कंबलधारी कहां से लगे ले रहा, कम क्यों हो रहा है भैया, अरे उठा रे अपना, अब मैं गमछा गिर गया केजी जी कह रहा भाई साहब, केजी जी गमछा गिर गया। महाराज जी का आश्रम यही है, इसके पीछे ही है महाराज जी जो है, ये है उनके आश्रम, यहाँ से अंदर चले गए वो और गेट बंद कर दिया, और सब अभी अपने अपने कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो हम तो परिक्रमा लगाते हुए जा रहे हैं। ये है महाराज जी का आश्रम, इसके अंदर चले गए महाराज जी। भाई लिटरली जो दर्शन हुआ है ना प्रेमानंद बाबा जी के, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मतलब ये अगर आप दर्शन नहीं करोगे ना तो आप समझ ही नहीं सकते कि बाबा के दर्शन कितना खूबसूरत हो सकता है, बहुत खूबसूरत। और एक बात बताओ, जितने एक कॉन्सर्ट में लोग नहीं होता ना, उससे मुझे लग रहा है उससे डबल होता है, सिर्फ बाबा चल के अपने आश्रम तक आते उतने में इतना भीड़ होता है, सोच सकते हो आप, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो अभी हम केशी घाट जा रहे हैं, केशी घाट जाके थोड़ा सा बैठेंगे, चाय भी पियेंगे, क्योंकि अभी है ना ठंड लगने लग गई है अभी दोबारा, इतने लोग थे ना उसके बीच में फिर ठंड बहुत कम लग रहा था। और इन दोनों देखो साइड से जा रहे, हम अभी जा रहे केशी घाट की तरफ। तो जी हम अभी आ चुके हैं मदन मोहन मंदिर के इधर, ये देखो ये दिन के टाइम भी कितना सुंदर लगता है ना, रात के टाइम पे आप सही से वो नहीं कर पाओगे, बट फिर भी आप देख लो कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई हम पहुंच गए अभी यमुना जी पे,
ये देखो अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया पहले से, बट बहुत सुंदर लग रहा है। और कोहरा ही कोहरा है आगे की तरफ, है ना। यमुना जी के साइड में आके ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी रात के बज रहा है करीब 4:30। आगे देखो धुंध हो रहा है ना बहुत, अंदर के साइड तो दिख नहीं रहा है, बट साइड साइड से आपको दिखा देता हूँ। और ये आप अगर यमुना जी के बीच में से जाके देखोगे ना ये जगह, ये जो पुराने पुराने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना दीवार, बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। दिन के टाइम पे आना, और अगर परिक्रमा करते हो तो आप दिन के टाइम पे करो, और परमानंद जी के दर्शन करना हो तो अलग से दर्शन करने आ जाओ तो बहुत अच्छा है, ताकि आप आसपास के एरिया है ना अच्छे से देख सको, तो आपको सही पता लग जाएगा हर जगह पे। ये है गंगा जी की आरती घाट है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत आरती होती है। अरे यहाँ से गंगा मैया के दर्शन कर सकते हो, जो यमुना मैया जी की दर्शन है ना यहाँ से कर सकते हो। ये है मंदिर, बट अभी फिलहाल बंद है। तो जी यहाँ है केशी घाट इस साइड, और हम अभी आए हैं इधर चाय पीने के। क्या कर दिया? ये देखो चाय पीने के लिए सबसे बड़ा एरिया है, बहुत खूबसूरत है ना। ये देखो, और यहाँ बन रहा है कुल्लड़ चाय। रात के बज रहे 4:30, बट अभी ऐसा लग रहा है कि रात के 6-7 ही हो रहा है अभी शाम के। है क्या बोल रहा क्या सुना हो? ये 4:30 है ना। 4:30 चलो आजा चाय वाले। दो हाथ में 4 के दौड़ाऊंगा। दो हाथ में 4? अरे कैफे दर बन गया तो अभी तो उठाना ही पड़ेगा। ये देखो क्या सॉलिड लग रहा है ना चाय, कुल्लड़ वाली। उल्टा सीधा बात कर रहा है। एक केजी जी का गमछा जी चाय के लिए, ये केजी जी वाला गमछा गिर जा रहा है। देखो तुम असली केजरीवाल है ही नहीं हो, केजरीवाल का कुछ भी हो जाओ नहाते वक्त भी सर के ऊपर से गमछा नहीं हटाता। लोकल है, लोकल तुम, लोकल लोकल लोकल। अरे सेंटर मार्केट, अरे लोकल केजरीवाल सेंटर मार्केट से उठाया हुआ, इसलिए इसलिए गमछा नहीं गिर सकता, इसलिए इसलिए तो मेरे पास ज्यादातर गिर जाता है छोटा केजू। अरे ये बंदा डिवाइन है, ठाकुर लग रहा है। चलो चाय की मजे लेते हैं। पहली बार फिगर मुझको ठाकुर देख रहा। कौन सा ठाकुर घूमने गया? कौन सा जात का ठाकुर है? फिगर मुझके ठाकुर ठाकुर है। राजघराने से हूँ। इसका जवान भी लड़खड़ा जा रहा है। ठाकुर कह रहे झूठ मत बोल। वो राजपरा बोले या राजधरा बोले? राजघराने से ऐसा वाला होता है, तेरा जवान भी लड़खड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, ये राजपराने से। क्या गुंडा बनी कर रहे, उच्च जात का होता है ना ये। देखो पीला पीली हो गया क्या? वृंदावन का माया देख। चलो जी चाय के मजे लेते हैं, थोड़ा सा येलो येलो टाइप का हो गया ना। चलो जी पीते हैं बीच में। भाई सब करके रहे, ट्रैफिक घटा रहे। देखो रात में ट्रैफिक घटा रहे। ये है ना, रात को ट्रैफिक घटा रहा है। देखो ये लगा, उधर लगा, वो लगा दिया, समझ रहा है। ओए दिन में नहीं मिलेगा, रात को ट्रैफिक घटा है, खाली जगह ट्रैफिक घटा रहा है। इसको पता है दिन में मेरा कोई चार्ज नहीं बने वाला, सफर रखाऊंगा इसे तो रात के समय घटा लो। ट्रैफिक घटा रहा है। कुल्लड़ वाली पार्टी, कुल्लड़ वाली चाय, कुल्लड़ वाली चेयर्स। झूठा मेरे मुंह में डाल दे चाय। चलो जी चेयर्स। आधा चाय तो कुल्लड़ पी गए। बहुत स्वाद है यार, भावना देखेगी ना चाय पीते, क्योंकि वो उसको सबसे ज्यादा पसंद है इस जगह का चाय। भावना की सबसे फेवरेट जगह ये केशीघाट वाला चाय की जगह। यहाँ पर इतना कोहरा है ना, यमुना जी पे है चाय पी के पीछे आया। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बोट है, कितना धुंध हो रहा है ना इधर। और यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, आई लव वृंदावन लिखा हुआ है इस बोट के ऊपर, ऊपर के साइड। अब देखो है, लग रहा ना चमक, सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। और ऊपर क्या बना, अच्छा मोर का पंख बना हुआ है वो, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है ये बोट।
तो जी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लगातार जो वीडियो आने वाला है ना बहुत ज़बरदस्त है। अगली वीडियो जो आने वाला है, हम जा रहे हैं सुबह सुबह के टाइम पे बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने, राधा वल्लभ जी के मंदिर दर्शन करने, दामोदर मंदिर दर्शन करेंगे और निधिवन का भी दर्शन करके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ये देखो अभी मौसम कुछ ऐसा है, सब तो पीछे ना चाय की उसमें बैठे हुए केशी घाट पे, ठंडी लग रही है इधर तो। और इसको देखो ये कैसे जा रहा है ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ गया इधर ही जाड़े आ गए जाड़े। अच्छा यहाँ पर भी पिंक टॉयलेट आ गया, पहले वृंदावन नहीं पहले वहाँ पर देखना वाला रिकॉर्ड करियो। अबे यार इतना गंदा काम किया है ना इसने, आवाज आ गया होगा कितना गंदा काम किया है। हाँ तो मैं क्या कहता हूँ, पिंक टॉयलेट जो है वो नोएडा में ज्यादातर देखने को मिलता है पिंक टॉयलेट, तो यहाँ पर भी पिंक टॉयलेट है। रोक के रखा भाई, बहुत गंदा काम किया। सीधा जा रहे हैं पानी घाट, जो हमें पानी घाट जाना है अटला चुंगी टटिया आश्रम। हाँ ये रहा अटला चुंगी साइड है, और आगे की तरफ है मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार का मतलब क्या है, मोक्ष द्वार है यहाँ पर शमशान घाट है आगे। तो जी ये है मोक्ष धाम वृंदावन, मतलब ये शमशान घाट ही है वृंदावन का, केशी घाट के थोड़ा सा आगे आके ये। हाँ अगर काम के लिए होगा तो आराम से जा सकता हूँ मैं, इस समय फ्री हूँ। ये जो गेट है ना यहाँ से जाते हैं देवरा बाबा घाट, देख ले। हाँ यहाँ अंदर ही तो हुआ था वो कुंभ का मेला। हाँ हाँ हुआ था और क्या, इसके अंदर सीधा जाके तो अंदर से देवरा घाट के लिए। ये देखो इसमें लिखा भी है बकायदा, पढ़ लेना, ये है देवरा घाट जाने के लिए अंदर। थोड़ा सा ये ज़्यादा तो नहीं है, 200 मीटर होगा अंदर, यमुना जी की घाट आ जाता है देवरा घाट। बहुत सुंदर बना रखा है, बहुत सुंदर, दिन के टाइम अगर शाम के टाइम आओगे ना बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो जी हमारा जो परिक्रमा है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यही परी ख़त्म किया है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं और अभी हम जाएंगे, अभी टाइम क्या हो रहा है देखो 5 बज गया, तो 6 बजे करीब हम जाएंगे बाकी बिहारी जी के दर्शन करने, 2-3 मंदिर दर्शन करेंगे क्योंकि 12 बजे से पहले बंद हो जाता है, इसलिए अभी दर्शन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।